हेलो स्टूडेंट्स, रियल एनालिसिस में आज हम पढ़ते हैं। आपके पहले 6 लेक्चर में डिलीवर कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं उनको देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा आपका आगे समझ नहीं आएगा। ओके, तो आपको ये लिंक है, उसके हेल्प से आप इससे पहले के लेक्चर सारे देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ बीटा फंक्शन और शो दैट इंटीग्रल 0 से 1 एक्स की पावर एम माइनस का 1 इंटू में 1 माइनस एक्स की पावर एन माइनस 1 डी एक्स एग्जिस्ट इफ़ एंड ओनली इफ़ एम एंड एन आर बोथ पॉजिटिव, दैट इज़ दोनों 0 से क्या होने चाहिए, बड़े। ओके, तो यहाँ पे डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ बीटा फंक्शन, अभी आपके जो सिलेबस है उसमें बीटा फंक्शन नहीं आया है, तो इसलिए मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। द इंटीग्रल 0 से 1 एक्स की पावर एम माइनस का 1 इंटू में 1 माइनस एक्स की पावर एन माइनस का 1 डी एक्स, वेयर एम ग्रेटर है 0 से एंड एन ग्रेटर है 0 से, इज कॉल्ड बीटा फंक्शन। ये हमारा क्या होगा, बीटा फंक्शन होगा एंड इज डिनोटेड बाय बीटा बी, कैपिटल बी एम एन। ओके, तो बीटा एम एन पढ़ेंगे, इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका इस टाइप का जो इंटीग्रल है जहाँ पे एम और एन दोनों ही ग्रेटर इक्वल क्या है, सॉरी ग्रेटर है 0 से, तो हम क्या कहेंगे उस फंक्शन को, इस इंटीग्रल को बीटा फंक्शन कहलाएंगे, इसको डिनोट ऐसे करेंगे। ओके, तो आपका ये इसके बारे में डिस्कस करवा रहा है। ठीक है, एन के बारे में तो हमने इंटीग्रल कंसिडर कर लिया। इंटीग्रल आपके पास क्या है बेटा, 0 से 1 एक्स की पावर एम माइनस का 1 और 1 माइनस एक्स की पावर एन माइनस 1 डी एक्स। द गिवन इंटीग्रल इज प्रॉपर व्हेन एम ग्रेटर इक्वल 1, अगर आप एम की जगह 1 डालते हो। ठीक है, तो एक्स की पावर 0 1 और एन की जगह भी 0 1 डालते हो तो इसकी पावर भी 0 1 हो जाएगा। तो आपके पास देखिए इंटीग्रेंड क्या है, फाइनाइट, तो यहाँ पे आपके पास कोई भी ऐसा टर्म नहीं बची है जो आपके फंक्शन को डैमेज करे, जो आपके फंक्शन को गायब करे, आपके फंक्शन को डिसकॉन्टीन्यूस बनाने में मदद करे। ओके, तो अगर हम बढ़ा लेते हैं दोनों को ही, एम को भी एन को भी 1 से बढ़ा लेते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम ऊपर ही रहेंगे, न्यूमिनेटर में रहेंगे। और मैं आपको पहले भी बता दिया है कि नॉट डिफाइंड कब बनता है, जब आपका डिनोमिनेटर में 0 बनता हो। ठीक है, अगर आप ऊपर हो, बेसिक से आपका 0 आए, नेगेटिव आए, लेकिन कोई भी फाइनाइट क्वांटिटी मिल रही है, तो हम वहाँ पे क्या नहीं कह सकते कि डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं कह सकते। तो आप देखिए, जब आप ऊपर रहोगे मतलब न्यूमिनेटर में रहोगे, तो आपके पास कोई भी ऐसा टर्म नहीं मिलेगा कि जो आपके फंक्शन को क्या बनाए, डिसकॉन्टिन्यूस बनाए। ठीक है, तो आपका प्रॉपर ही रहेगा ये, तो हमें पता है प्रत्येक प्रॉपर जो इंटरवल होता है, इंटीग्रल जो होता है वो क्या, कन्वर्जेंट होता है। ठीक है, तो ये कह रहे डिस्कस करवा रहा था। तो एम ग्रेटर, एम और एन दोनों ग्रेटर हैं किससे, 0 से। अब 0 से ग्रेटर तो बेटा 1 भी है, 1 से बड़ा भी है। ठीक है, तो आपने 1 से बड़ी डिस्कस कर ली। ठीक है ना, एम और एन के लिए 1 से बड़ी डिस्कसमेंट कर ली कि 1 से जब बड़े होंगे तो क्या रहेंगे, प्रॉपर रहेंगे। अब क्या बच गया मुद्दा, आपका ये बच गया कि 0 और 1 के बीच में रहेगा तब क्या रहेगा, 0 और 1 के बीच में रहेगा तब आपके पास किस टाइप के कंडीशंस आएंगे, क्या क्या होगा। ठीक है, ओके, चलिए हम देखते हैं। जब आपका n लेस है किससे, 1 से, और m भी लेस है किससे, 1 से। जब आप इन इंटीग्रल्स में m भी और n भी दोनों 1 से लेस डालोगे तो ये आपके क्या रहेंगे, नेगेटिव नेगेटिव रहेंगे। पॉजिटिव बनाने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में, तो 1 बाई डिनोमिनेटर बन जाएगा इन सबका। ठीक है, आपका इन दोनों ही केसेस में x की पावर x जो है वो भी नीचे चला जाएगा, और 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 जो है वो भी बेटा आपका नीचे चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर दोनों ही नीचे जा रहे हैं आपके, तो दोनों नीचे जा रहे हैं तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में है, और डिनोमिनेटर में 0 और 1 जो है आपके इंटीग्रल की लिमिट है, तो 0 और 1 दोनों जो है वो आपके लिए, आपके फंक्शन के लिए किसका काम कर रहे हैं, इनफाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी का काम कर रहे हैं। तो मैंने पहले भी बताया था, जब हम इनफाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी का काम करता है तो हम इंटरवल के दौरान एक ऐसा पॉइंट पिक करते हैं कि जिसकी मदद से हम अपने फंक्शन को चेक करते हैं कि कंटिन्यूस है, कन्वर्जेंट है ना है।
ओके ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे जीरो और वन, तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना कि जब आप एन और एम दोनों लेस होंगे, किससे, वन से लेस होंगे, तो दोनों ही केसेस में आपके पास ये डिसकॉन्टिन्यूटी का काम करेंगे, जीरो भी और वन भी। तो जीरो अगर लोअर लिमिट भी करती है, अपर लिमिट भी करती है, तो हमें क्या बताया गया है कि हम उस इंटरवल के बीच की एक लिमिट लेते हैं, इंटरवल के बीच की लिमिट लेते हैं। तो हमने बीच का एक पॉइंट ले लिया सी, सी क्या ले लिया, वन बाई टू, जो मेरा जीरो और वन के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, मैंने अपने इंटरवल को ब्रेक कर दिया जीरो से वन बाई टू और वन बाई टू से वन पर। ठीक है, फर्स्ट को मैंने क्या कंसीडर कर लिया, इंटीगल वन, एंड सेकेंड को इंटीगल टू। अब हम दोनों इंटीगल के बारे में डिस्कस करेंगे, वन और टू जो है हमारा। देखिए इंटीगल वन जो है उसमें बेटा आपका जीरो जो है वो इनफाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी का काम कर रहा है, और आप देख पा रहे हैं इंटीगल टू जो है उसमें वन जो है वो आपका अपर जो लिमिट है वो डिसकॉन्टिन्यूटी का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिया, इंटीगल वन ले लिया जीरो से वन बाई टू और फंक्शन ले लिया। ठीक है, यहाँ पे एम किसके लिए डील कर रहे हैं, मैंने साइड में लिखा है इस पे प्रेशर डाल के, क्यों, क्योंकि एम लेस है किससे, वन से लेस है। तो जैसे बीटा फंक्शन की जो डेफिनेशन थी उसमें हमने कहा कि एम जो है, एम और एन दोनों ही पॉजिटिव है, मतलब ग्रेटर इक्वल के, ग्रेटर क्या है, सॉरी जीरो, दोनों ग्रेटर हैं जीरो से। तो अब एम लेस ले रहे हो वन, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो वन है, आपका जो m है वो वन से छोटा एंड जीरो से क्या होएगा, बड़ा। ओके, तो यहाँ पे इस केस में बेटा आपका जीरो जो है वो ओनली फाइनाइट इनफाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी का काम कर रहा है, सॉरी इनफाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी का काम कर रहा है, कर रहा है ना। तो इनफाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी का काम कर रहे हैं, यहाँ पे आप क्या करोगे, आप अपने फंक्शन का पार्ट बनाओगे, एफ ओ फैक्स और क्या चाहिए, जी ओ फैक्स चाहिए। ठीक है, आप एफ ओ फैक्स पूरे को कंसिडर कर लेते हैं, कर लिया आपने एफ ओ फैक्स कंसिडर। अब मैंने क्या बताया था कि जो पॉइंट आपके फंक्शन के लिए डिसकॉन्टिन्यूटी का काम करता है, आपके जो फंक्शन दे रखा है उसमें जो टर्म डिसकॉन्टिन्यूटी का काम कर रहा है, आप उसी टर्म को क्या कंसीडर करोगे, जी एक्स कंसीडर करोगे। बताया था ना, तो जीरो कर रहा है यहाँ पे, तो जीरो मतलब एक्स वाले टर्म, क्यों, मैंने इसे क्या लिखा, वन माइनस में, माइनस का वन था ऊपर तो नीचे आएगा तो पॉजिटिव, तो मैं इसको लिख सकती हूँ एक्स की पावर वन माइनस का एम। मेरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स तो कंप्लीट है, और इसमें क्या लिखूंगी मैं, इसमें मैंने क्या लिख दिया, नीचे ले लिया। ओके, टेकिंग अब वही जियो एक्स मैंने क्या ले लिया, वन अपॉन में एक्स की पावर वन माइनस का एम। ठीक है, अब मैं क्या निकालूंगी, एफ ओफ एक्स अपॉन में जियो एक्स। आपके पास लोअर लिमिट जो थी वो क्या है, इनफाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी का काम कर रही है, तो हमने लिया लिमिट एक्स टेंड टू जीरो पॉजिटिव। तो जीरो पॉजिटिव का मतलब समझ में आ रहा है ना, कि आपका हम जीरो में समथिंग प्लस करेंगे, ऐसी क्वांटिटी जो फ़र्क ना डाले, लेकिन वो ऐसा ऐड करने के बाद हम अपने इंटरवल में ही रहेंगे। अगर माइनस कर देते हो तो मैंने ये बताया था कि आप इंटरवल से बाहर हो जाओगे, और उसका कोई मैटर नहीं डिस्कस करने का। ठीक है, तो बेटा आपने क्या लिया, जीरो पॉजिटिव लिया, तो ये जीरो पॉजिटिव नहीं है, इसका मतलब ये है कि हम जीरो से, जीरो में समथिंग प्लस कर रहे हैं, ताकि हम इंटरवल में जीरो को छोड़ के जीरो से जस्ट बाद वाला पॉइंट ऐसा पकड़े जिसके ऊपर हमारा फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस ना हो। ओके, तो एफ ओ एक्स अपॉन में जी ओ एक्स लगाया, आपके पास क्या बन गया, वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन। ओके, जीरो डाल लीजिएगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके पास क्या बन गया, वन बना, जो ना ही तो जीरो के इक्वल है और ना ही किसके इक्वल है, इन्फिनिटी के इक्वल है, कौन से के इक्वल नहीं है, आपका क्या है, फाइनाइट है। तो फाइनाइट होता है, नॉन जीरो होता है, तो क्या होता है, दोनों का जो बिहेवियर होता है वो आपके पास क्या होता है, सेम होता है। ठीक है ना, बाय कंपैरिजन टेस्ट एफ ओ एक्स एंड जी ओ एक्स टुगेदर कन्वर्ज और डाइवर्ज, कन्वर्ज और क्या कर सकते हैं, डाइवर्ज और है आपका। ठीक है, तो अब हमने जी एक्स पकड़ा, क्योंकि दोनों ही केसेस में अगर डील करना है तो हम जी एक्स को लेंगे, तो जी एक्स ले लिया मैंने जीरो से वन बाई टू वन अपॉन में एक्स की पावर वन माइनस का एम डी एक्स। कन्वर्ज करेगा कब करेगा, जब आपके पास इसकी एक्स की जो पावर है, एन पी टेस्ट याद है ना, सीक्वेंस सीरीज का एन पी टेस्ट, जब आपका ये पी जो है लेस होगा किससे, वन से, तो हमारे पास पी की जगह क्या है, वन माइनस का एम है। ठीक है, तो मैंने वन माइनस का एम लेस है वन से ले लिया, तो वन से वन कट गया, और इसको साइन को चेंज करोगे तो एम क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, एम बड़ा है किससे, जीरो से। तो इस केस में आपका इंटीग्रल वन जो है आपने क्या दिखा दिया, जीरो के ऊपर आपने कन्वर्जेंट दिखा दिया। तो इफ़ एंड ओनली इफ आपका जब एम जीरो और वन के बीच में लाया करता है तो क्या बन गया, कन्वर्जेंट बन गया इस केस में। ठीक है, अब हमने इंटीग्रल क्या उठाया, सेकंड इंटीग्रल उठाया, सेकंड इंटीग्रल में आपने क्या लिया, इंटीग्रल टू, वन बाई टू से वन
और x की पावर n माइनस का 1 ले लिया। अब देखिए यहाँ पे हमने n लेस ले लिया किससे, 1 से। यहाँ पे बेटा 1 जो है वो ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी का काम कर रहा है, ठीक है। ओनली 1 1 कर रहा है आपकी बार, तो 1 कर रहा है तो वही पार्ट f ऑफ x कंसिडर कर लिया, और फंक्शन में आपका ऐसा पार्ट जो उसको डिसकॉन्टिन्यूट्स का बनाने के काम आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, नीचे लेंगे, क्योंकि हमें उसका जी एक्स बनाना है, ठीक है। तो हमने जी एक्स क्या कंसिडर कर लिया, 1 अपॉन में x की पावर 1 माइनस x और इसकी पावर 1 माइनस का n ले लिया, सच दैट द लिमिट x टेंड करेगा 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव का मतलब पता है ना, अगर आपने 1 में कुछ प्लस कर दिया तो देखो खुद ही इंटरवल से बाहर हो जाओगे, तो किसके बारे में क्या कहोगे, कुछ नहीं कह सकते ना। तो इसका मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हमारे पास जो 1 है उसमें से कुछ समथिंग माइनस करेंगे जो स्मॉल क्वांटिटी होगा, ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी होगा जो माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद हम अपने इंटरवल में ही रहेंगे और उस पॉइंट के ऊपर हम इसको चेक करेंगे, ठीक है। तो हमने ले लिया कि माइनस कर दिया 1, ठीक है, एफ ओफ एक्स अपॉन में जी ओफ एक्स ले लिया, तो ये आपके पास क्या बच गया, एक्स की पावर एम माइनस का 1। आपका लिमिट एक्सटेंड कर रहा है कि इसको 1 को, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, 1, वो भी फाइनाइट है, नॉन जीरो है। तो फाइनाइट नॉन जीरो है तो दोनों का जो बिहेवियर है वो क्या है, आपके दोनों का फंक्शन का एफ ओफ एक्स का और जी ओफ एक्स का दोनों का सेम है, ठीक है। या तो दोनों कन्वर्स करेंगे या किस पे करेंगे, डाइवर्स करेंगे। तो हम किसको लेना चाहेंगे, जी एक्स को लेते हैं। तो आपने जी एक्स उठाया, वही कंडीशन एन पी टेस्ट लगाया आपने, एन पी टेस्ट के अकॉर्डिंग आपका एन माइनस वन ये जो फंक्शन है आपका जी एक्स जो है वो कन्वर्जेंट होगा कब, जब आपका एन माइनस का 1 लेस है किससे, 1 से, ओके। दैट इज़ आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, एन ग्रेटर होगा किससे, 0 से। तो एन बड़ा आ गया आपका 0 से, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि आपका जो इंटीग्रल सेकंड है वो भी कन्वर्जेंट है किस पे, 1 पे कन्वर्जेंट है। और इफ़ एंड ओनली इफ आपका एन किस किस में लाई कर रहा है, 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि दोनों इंटीग्रल को हम कंबाइन करेंगे, इंटीग्रल 1 और इंटीग्रल 2 इज कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट होगा कब, जब आपका एम बी और एन बी 0 और 1 के बीच में लाई करते हो। और आपका जो इंटीग्रल हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि जब एम 1 से बड़ा और 1 के बराबर था, एन बी 1 के से बड़ा और 1 के बराबर था, तो क्या है, क्या था आपका, वो तो प्रॉपर था, तो डेफिनेटली क्या था वो, कन्वर्जेंट। तो देखिए हम क्या कह सकते हैं कि जब हमारा m और n दोनों ही 0 से बड़े हो तो आपके पास क्या बन जाएंगे बेटा, कन्वर्जेंट बन जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।